लेकिन 6:55 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान चुनाव को लेकर ट्वीट किया है और मतदाताओं को आग्रह करते हुए, अपील करते हुए कहा कि भारी संख्या में वोट दें। क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में, 6:55 पर उनका जो ट्वीट आया, उन्होंने लिखा राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। आगे क्या लिखा आयुष बताइए। बिल्कुल देखिए, सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग कर वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। इस अवसर पर पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के सभी युवा साथियों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए ट्वीट किया है और लोगों से आग्रह किया है। ने ट्वीट किया है, लोगों से आग्रह कर रहे हैं। और इससे पहले भी जब राजस्थान के रण में पीएम मोदी की रैलियां देखी गई तो लगातार वो लोगों से अपील करते हुए नजर आए। खास करके महिलाओं से आयुष ने कहा कि देखा यह गया कि जब भी मेरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो मैंने ये सुनिश्चित किया कि तड़के सुबह मेरी कोई भी रैली या सभा ना हो, क्योंकि मैं चाहता हूं महिलाएं जो घर का काम कर लें उसके बाद मेरी रैली में आ सके। और तस्वीरों में भी यही देखा गया कि बड़ी संख्या में महिलाएं जो थी वो पीएम मोदी की रैलियों में पहुंची। रैली से लेकर के अभी तक पीएम मोदी लगातार यही अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जो सरकार है वो ऐसी बनाए जो आपके लिए काम करे। पीएम मोदी फिलहाल यही अपील करते हुए नजर आए थे। प्रियंका, बिल्कुल, तो ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये ट्वीट सामने आया है, जहां पर उन्होंने सभी से ये अपील की है कि बड़ी संख्या में लोग अपने पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपने मतों का प्रयोग। शानदार जोश है, बिल्कुल एक जुनून है। भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है वो गारंटी आज हर घर तक पहुंच गई है और विश्वास है, पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने के तरीके में और उनके खुद के व्यक्तित्व के अंदर। तो हर तरह से कांग्रेस की तो जमानतें जब्त होने वाली हैं बहुत सारी जगह, निश्चित तौर पर जीत है। राठौड़ साहब, चूंकि आप मौजूदा सांसद भी है, जयपुर ग्रामीण का बड़ा इलाका है, उसी का एक विधानसभा है झोटवाड़ा, पहले क्योंकि सांसद का चुनाव आप लड़ चुके हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अब विधानसभा का चुनाव है, किस तरह इसको देख रहे हैं आप, दोनों की तुलना करें तो? एक विधानसभा चुनाव के अंदर और विधानसभा में एक अलग जिम्मेदारी रहती है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है। यहाँ व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को टच करते हैं, आप एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हो जाते हैं, काम करने का जो केंद्र से पैसा आता है उसको नीचे धरातल तक लगाने की जिम्मेदारी रहती है। तो एक राज्य सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो अब वो काम करने का भी अवसर मिलेगा। अब मोदी जी के साथ रहे 10 साल तक, वहाँ पे केंद्र सरकार का काम देखा, उसके हिस्सा रहे, अब ये भी अनुभव मिलेगा और ज़रूरी भी है, इसलिए कि देखिए पिछले 5 साल राजस्थान का जो बेहाल हुआ वो इसी वजह से तो हुआ कि जिसके पास साधन आ रहे हैं वो साधन तो नीचे लगा ही नहीं रहे, वो तो लूट मचा रखी है। ये बहुत ही क्रूशल एक सरकार हो जाती है, लिंक हो जाती है, केंद्र सरकार और जनता के बीच का जो बहुत महत्वपूर्ण लिंक है वो है राज्य की सरकार। अब उसमें यहाँ पर काम करने का अवसर मिलेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ जीत निश्चित है, प्रचंड जीत है राजस्थान के अंदर। कल योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उन्होंने कहा कि बहुतों की, विपक्षियों की जमानत जब्त होने वाली है, तो ये जोश और जज्बा है जनता में। राठौड़ साहब, मतदान कल होने वाला है, क्या अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, क्योंकि मतदान ज़्यादा होगा तभी लोगों की भागीदारी सरकार बनाने में रहेगी। जी बिल्कुल, मैं सभी आपके माध्यम से जनता जनार्दन से ये आग्रह करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, ये वो त्यौहार है जो 5 साल में एक बार आता है। आप सब, हम सब हर साल में आने वाला त्यौहार तो मनाते ही हैं और खूब धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन ये त्यौहार जो 5 साल में एक बार आता है वो वाकई में अगले 5 साल कम से कम निश्चित कर देता है कि आपका जीने का जो तरीका है, जो ईज ऑफ लिविंग है, जो राहत आपको मिलेगी वो कितनी होगी। तो आखिर तक कोई भी प्रत्याशी हो ये मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं कि उनको वोट दे मतदाता और उनकी पार्टी को वोट दे। इसी लिहाज से जो भी बयान हम यहां पर सुन रहे हैं वो हमने देखे, चाहे हमने गौरव वल्लभ को देखा माथे पर तिलक,